कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में सिर्फ एक बार आते हैं और उनके जैसा ना तो पहले कभी हुआ होता है और ना ही आगे कभी होगा। आपको पता है मैं बात कर रहा हूँ लता मंगेशकर की। आज दिन की शुरुआत इस खबर से हुई कि अब उनका निधन हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन 35 से ज़्यादा भाषाओं में जो सैकड़ों गाने उन्होंने गाए हैं वो हमेशा यहीं हमारे बीच रहने वाले हैं। वैसे तो उनको ढेर सारे अवार्ड्स मिले, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो लेजेंडरी रही, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं होना। लेकिन जहां बात पर्सनल लाइफ की आती है उसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई। लता दी ने खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करी। लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ ऐसा है जिससे हमें सीखने को मिलेगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता था लेकिन शायद उसमें इतनी सारी बातें आ ना पाती, और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लता दी की पर्सनल जिंदगी कैसे खास थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शादी क्यों नहीं की और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। आपको पता है मैं हूं आपका खुराफाती पत्रकार। लता मंगेशकर ने बहुत ही कम उम्र से गाना शुरू किया था और कहते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी अपने छोटे भाई बहनों की। लता अपनी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और इसे भी एक वजह माना जाता है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि उनकी जिंदगी में कोई और आए और जो ध्यान वो अपने छोटे भाई बहनों पर देना चाहती हैं वो किसी और पर देना पड़े। इन भाई बहनों की लिस्ट में आपको भी पता है कि मीना, आशा भोसले, उषा और हृदयनाथ, ये लोग शामिल थे। और इनको ढेर सारा प्यार मिले, इनकी केयर कर सकें, इसके लिए लता मंगेशकर ने बड़े होने का फर्ज निभाया और अपनी जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखते हुए पर्सनल लाइफ को दरकिनार किया। लेकिन क्या वजह सिर्फ इतनी सी है? खुद लता ने इस पर कभी ज्यादा बात नहीं की लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर इस पर लिखा जाता रहा है। अब इसके पीछे की जो दूसरी कहानी है, जिसको लता की प्रेम कहानी मैं कहूंगा, वो क्या थी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लता मंगेशकर के छोटे भाई थे हृदयनाथ मंगेशकर, और हृदयनाथ मंगेशकर के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो थे एक बीसीसीआई के उस टाइम के मेंबर और पूर्व क्रिकेटर राज सिंह। उनसे जुड़ी खास बात यह थी कि वो राजस्थान के एक रॉयल परिवार से आते थे और महारावल लक्ष्मण सिंह जी के बेटे थे। राज सिंह की लता मंगेशकर के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर के साथ में अच्छी दोस्ती थी, और जब राज सिंह बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने तो ज्यादातर मीटिंग्स हृदयनाथ के साथ में उनके घर पर होने लगी। कहा जाता है कि यही वक्त था जब उनकी लता मंगेशकर से मुलाकात हुई और थोड़ा सा दोस्ताना रिश्ते बने। इसके बाद में चीजें आगे बढ़ी और कहते हैं कि प्यार से राज सिंह ने लता मंगेशकर को मिट्ठू बुलाना शुरू किया। इसे कहते हैं ना कि जो जिंदगी की पहली प्रेम कहानी होती है, पहला प्यार होता है, ये कुछ वैसी ही कहानी थी। राज सिंह और लता दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और एक कदम आगे बढ़ने के लिए जाहिर सी बात है शादी भी करना चाहते थे। लेकिन सब इतना आसान नहीं था। राज सिंह डूंगरपुर ने जब अपने पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा जाता है कि लता मंगेशकर किसी रॉयल परिवार से नहीं थी और बहुत सुंदर नहीं थी। ये कुछ वजहें दी गई राज सिंह को और कहा गया कि वो लता से शादी नहीं कर सकते। हालांकि यहां पर चीजें रुकी नहीं, और कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। राज सिंह ने अपने पिता की बात तो मान ली, उन्होंने कहा मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन उन्होंने एक फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि अगर मैं लता से शादी नहीं कर रहा हूं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं करूंगा। साल 2009 में राज सिंह का निधन हुआ और अपने किए हुए वादे के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी से शादी नहीं की। और बिल्कुल यही कहानी हमको देखने को मिलती है लता मंगेशकर की जिंदगी में, कि उन्होंने भी किसी से शादी नहीं की। हाल ही में हमने शेरशाह मूवी देखी और हमने समझा कि अगर किसी से सच्चा प्यार करते हैं पूरी जिंदगी उसके प्यार में रहना कैसा होता है। कुछ ऐसी ही जिंदगी बिताई लता मंगेशकर ने, जिस पर कभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की, कभी उसका बखान नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लता ने जो भी गाने गाए वो किसी के प्यार में गाए, और यही वजह है कि जब हम उन्हें सुनते हैं तो वो हमारे दिल तक उतर जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ को ये कहानी पता रही हो, सकता है ना पता रही हो,
मुझे लगा कि ये बात आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात हमको सीखने को मिलती है कि अगर कहीं पर भी हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत है तो हमको उसके लिए खड़े रहना चाहिए। इसके अलावा सच्चा प्यार क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है और उसको निभाया कैसे जाता है, वो लता की ज़िंदगी हमें सिखाती है। मेरा लता दीदी से वास्ता सबसे पहले तब हुआ था जब मैंने गाना सुना था, ऐ मेरे वतन के लोगों अगर आँख में भर लो पानी, और उसके बाद ढेरों गाने सुने और पता चला कि ये जो सुरीली सी आवाज़ है वो लता मंगेशकर दीदी की। ये पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है और मुझे लगता है कि जब तक उनके गाए हुए गाने सुने जाते रहेंगे वो हमारे बीच में। और लता दी जैसे लोग कभी ख़त्म नहीं होते, कहीं नहीं जाते। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरी बातें अच्छी लगती हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए। मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर, तब तक के लिए खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।